Namaskar, hello, and a very warm welcome to CIET NCERT's live phone-in interactive program. My name is Tanvi Khurana, and in this maths class, for all the 10th class students, we are here to discuss the topic Arithmetic Progressions Part 1. This will be done in two parts, so please watch this first part. And if you have any questions, any queries, you can phone us. Our number is 8800-440-559. And you are watching us at this time live on PME Vidya channel number 10. If you want to email us your questions, your queries, then email ID होगा dth.class10@cit.nic.in. हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर बताएंगी. तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की मेहमान मिस सविता ग्राक से. स्वागत है मैम आपका. जी धन्यवाद एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू आवर व्यूअर्स. यस हैप्पी जन्माष्टमी टू यू टू मैम. एंड मैम इज अ टीचर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र. सो लेट्स आस्क मैम व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ऑल अबाउट एंड व्हाट आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन मैम. ऑलराइट, सो द टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू अर्थमेटिक. देयर विल बी सम नंबर्स एंड वी विल हैव टू प्ले विद दोस नंबर्स. थोड़े थोड़े से नंबर्स के साथ हमें सिर्फ खेलना ही है. और लेट अस सी बिफोर डिस्कसिंग प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेट अस डिस्कस व्हाट डू वी मीन बाय सीक्वेंस. व्हाट इज अ सीक्वेंस? वी विल डिस्कस टू टॉपिक्स, सीक्वेंस एंड देन सीरीज. सीक्वेंस इज अ सिंपल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in a definite order according to some rule. There will be some rule and according to that rule there will be a sequence. Let us see an example for the same. Agar hum yahan par kuch numbers likh rahe hain 1 2 3 4 5 and so on, so this is a sequence. And which type of sequence is this? This is an infinite sequence ऑफ नेचुरल नंबर. क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड वी आर नॉट एंडिंग दिस सीक्वेंस टू एनी सिंगल नंबर, सो दिस विल बी नोन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस. इसी तरह से लेट अस राइट सम मोर सीक्वेंसेस. इफ आई एम राइटिंग 1 4 9 एंड देन 16 देन 25, दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस. और अगर हम बात करते हैं कि सीक्वेंस की जस्ट नेक्स्ट टर्म क्या होगी, व्हाट विल बी राइट आफ्टर 25, सो दैट इज सिंपल डियर व्यूअर्स. वी हैव टू थिंक ऑफ दैट दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर एंड देन 5 स्क्वायर. सो आफ्टर दैट अनडाउटेडली देयर विल बी 36 व्हिच इज 6 स्क्वायर. अब अगर हम आपको बोलते हैं कि इस सीक्वेंस में इसके बाद के आप 3 मोर टर्म्स लिखिए, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि अभी आपको जो रूल है वो रूल आपको समझ आ चुका है. इट विल बी 7 स्क्वायर एंड देन इट विल बी 8 स्क्वायर, देन इट विल बी 9 स्क्वायर एंड सो ऑन. सो दिस इज नोन एज अ सीक्वेंस. अब बात करते हैं, सीक्वेंस कैन बी इन असेंडिंग ऑर्डर, इट कैन बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देयर विल बी सम रूल व्हिच विल मेकिंग इट डिफाइंड. Next is a series. So series is nothing more than that the addition or some relation between the elements which were there in the sequence. Yani agar hamare paas baat karte hain ek series ki, series is the sum of all the elements of a sequence. Jaise abhi humne discuss kiya tha natural numbers ki sequence ko, the sequence was 1 2 3 4 5 and so on. तो अगर बात करते हैं सीरीज की, तो ये जो सभी टर्म्स हैं, ये सभी टर्म्स अंडर द रिलेशन एडिशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगी एंड देन वी विल से दैट यस इट इज अ सीरीज. ऑलराइट, एंड आई जस्ट टोल्ड कि एवरी नंबर इन अ सीक्वेंस और अ सीरीज इज कॉल्ड अ टर्म. जो भी एलिमेंट हम लिख रहे हैं किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी सीरीज में, दैट इज नोन एज अ टर्म. फॉर एग्जाम्पल, इस सीरीज में अगर हम बात करते हैं, 1 इज इट्स फर्स्ट टर्म, 3 इज इट्स थर्ड टर्म. इसी तरह से अगर हम बात करें यहां पर, सो दिस 36, दिस इज द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. दिस 64, दिस इज द एट्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. सो लेट अस डिस्कस फर्दर व्हाट डू वी मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसी तरह की सीक्वेंसेस
जब एक पर्टिकुलर रिलेशन पर्टिकुलर रूल के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम कुछ एक एग्जांपल्स भी अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अगेन द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इट इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म जो कुछ भी लिखी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट टर्म वी कैन सी इन द वेरी फर्स्ट सीरीज सीक्वेंस इट इज दिस इज टू, सो टू के बाद जो हम नेक्स्ट सेकेंड टर्म लिखे हैं दैट इज सिक्स, नेक्स्ट टर्म वी हैव रिटन इज टेन, नेक्स्ट टर्म इज 14। अभी जो रिलेशन इन चारों टर्म्स के बीच में चल रहा है उस रिलेशनशिप को देखकर हम समझ चुके हैं कि हमारी फिफ्थ टर्म क्या होगी। Yes, what will be the fifth term? It will be undoubtedly plus 4 हमें करना है and that will be 18. What will be the next term? That will be 28. तो हो क्या रहा है कि एक fixed number add हो रहा है preceding term में। अभी हमें समझ आ रहा है कि 2 plus 4, what that number is? That number is 4. 2 plus 4 is 6. Further, 6 plus 4 is 10. So this number is fixed in this sequence. हम 4 के place पर कभी 5, कभी 6, कभी 7 ऐसा add नहीं कर रहे, हम हर बार एक fixed number है, that number is 4, उसे add कर रहे हैं, तो इस तरह की जो sequence होती है, that is known as arithmetic progression. We have written two more examples here. The second progression here written is 7, then 7, then 7, then 7, then 7, and undoubtedly the next term it will also be 7. So what is the difference here between two consecutive terms? The difference is 0. आप देख सकते हैं अगर हम first term 7 में 0 add करते हैं तो we are getting 7 again. Again, अगर हम second term 7 में 0 add करते हैं we are getting 7. So this is again a sequence which is known as arithmetic progression. इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एज एन ए पी, ए फॉर अर्थमेटिक एंड पी फॉर प्रोग्रेशन। हियर इज वन मोर ए पी रिटन एज द फर्स्ट टर्म इज 30। अब 30 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 24 आ जाए, अनडाउटेडली इट विल बी ए नेगेटिव नंबर। यस डियर व्यूअर्स, जो डिफरेंस है या जो सम है, आप कोई भी नेगेटिव नंबर भी प्लस करेंगे अगर फर्स्ट टर्म में, इवन देन द ओनली कंडीशन इज दैट दिस नंबर मस्ट बी सेम इन ईच एंड एवरी केस। देखते हैं सेकेंड टर्म में -6 ऐड करने पर हमें क्या अवेलेबल हो रहा है, दैट इज अगेन 18 विच इज गिवन हियर एज द थर्ड टर्म, एंड देन 18 माइनस 6 दैट इज 12, एंड देन 12 माइनस 6 दैट विल बी 6, and then 6 minus 6 that will be 0, 0 minus 6 that will be negative 6, then negative 12, and in this way this will be known as AP, and we are writing here the various terms of this AP. अगर आप real life में AP से related बात करते हैं before discussing this common difference, let us suppose कि आज की date में किसी person की जो salary है that is rupees 20,000 per month. तो अगर वो पर्सन 20,000 पर मंथ अर्न कर रहा है और हम बोलते हैं कि वहां पर इस तरह का क्राइटेरिया है, इफ द पर्सन इज डूइंग वेरी गुड, इफ ही इज डूइंग बेटर एवरी टाइम, तो एवरी टाइम 400 रुपीज का जो है इंक्रीमेंट उस पर्सन को अवेलेबल होता है, मिलता है। तो 400 रुपीज का अगर इंक्रीमेंट हर बार मिलता है तो अगेन एक फिक्स्ड नंबर एड हो रहा है, दिस वॉज द सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ, हर मंथ के बाद नेक्स्ट वन 20,400, देन इट इज 20,800। तो हम देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड नंबर 400 हर बार जितनी सैलरी उस मंथ की उस पर्सन की है उससे नेक्स्ट मंथ के लिए ऐड हो रहा है। सो वी विल से दैट यस 400 इज दैट फिक्स्ड नंबर एंड दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस इज नोन एज एन एपी सीक्वेंस। अब व्हाट दिस 400 इज और व्हाट डू वी मीन बाय जो ये फिक्स्ड नंबर है, इसे क्या स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, इस नंबर को हम नेम देते हैं कॉमन डिफरेंस। सो व्हाट डू वी मीन बाय कॉमन डिफरेंस, लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है
इज दिस एन एपी और नॉट, चेक करते हैं. अगर ये एक एपी होगी तो हर बार एक सेम नंबर नेक्स्ट टर्म के लिए ऐड हो रहा होगा. सो यस, 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 4 इज 19 एंड कंटिन्यू. सो दैट फिक्स्ड नंबर इज 4. सो व्हाट विल वी से दैट डी व्हिच इज नॉन एज कॉमन डिफरेंस विल बी 4 इन दिस क्वेश्चन. अभी प्रीवियस स्लाइड पर हमने कुछ एक एपी डिस्कस की थी. हम देख सकते हैं इन द फर्स्ट एपी कॉमन डिफरेंस इज एवरी टाइम पॉजिटिव 4. तो जब भी डिफरेंस पॉजिटिव होगा द एपी विल बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल. पॉजिटिव, अगर हम बात करते हैं कि 2 7 एंड देन आई एम राइटिंग 12 देन आई एम राइटिंग 17, तो हो क्या रहा है, एवरी टाइम आई एम एडिंग अ पॉजिटिव नंबर एंड दैट नंबर इज 5. तो हमारी जो एपी है दैट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इफ द डिफरेंस विल बी 0, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था 7 7 7, तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 0, देयरफॉर द एपी इज कांस्टेंट. और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है इन दैट केस द एपी इज डिक्रीजिंग. लेट मी से that this is an AP 313, 310, 307 and it is going on infinite. So, अब क्या हो रहा है, हर बार जो डिफरेंस है और जिसे हमने कॉमन डिफरेंस का नेम दिया दैट इज नेगेटिव 3. सो what विल बी say? वी विल से दैट इफ द डिफरेंस इज नेगेटिव इन दैट केस the AP will be decreasing AP. All right? Next is we discuss कर रहे हैं कि the common difference will be the difference between two consecutive terms of an AP. Now after discussing common difference, let us discuss what do we mean by finite AP. This is very simple. देखिए अगर हमारे पास number of terms in an AP finite होते हैं, countable होते हैं, हम count कर सकते हैं कि इस AP में कितनी terms हैं, in that case that will be said to be finite AP. और अगर बहुत सारे terms हैं which are infinite, कोई end नहीं है, अभी तक हमने जितनी भी APs यहाँ पर show की हैं, these all are infinite, क्योंकि मैंने आपको कोई end term नहीं दी, मैंने नहीं बोला कि yes, in this AP, the last term is 307. So if I will write it in this way, then this becomes a finite AP. Otherwise, it will be an infinite AP. So let us discuss now the general form of an AP. Now, what do we mean by general form? If I'm saying that A is the first term of an AP, let us try to find the nth term of an AP ourselves. Calculate करके देखते हैं. किसी भी AP की first term अगर A है, और हम बोलते हैं कि d इज द कॉमन डिफरेंस. सो फर्स्ट टर्म इज a, d इज द कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर मुझे सेकंड टर्म कैलकुलेट करनी है, लेट मी से a1 इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट टर्म, a2 इज रिप्रेजेंटिंग द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस d. जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया है, 3 7 एंड देन 11, इफ दिस इज एन ap, हर बार हम क्या कर रहे हैं, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, अ फिक्स्ड नंबर इज एडेड. तो सेम यहां पर वो फिक्स नंबर जो है हमने उसे एज्यूम किया है डी. व्हाट विल बी A3? A3 विल बी अनडाउटेडली जो भी हमारी सेकंड टर्म है, हम उस सेकंड टर्म में ही डी ऐड करेंगे. सो व्हाट इट विल बी, इट विल बी ए प्लस 2B. अगर हम बात करते हैं फोर्थ टर्म ऑफ आर एपी, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, इससे प्रीसीडिंग, इसके जस्ट पहले वाले जो टर्म है उसमें हमें फिर से क्या ऐड करना है, वी विल ऐड कॉमन डिफरेंस डी एंड देन इट विल बी ए प्लस 2D बिकॉज द वैल्यू ऑफ A3 इज ए प्लस 2D प्लस डी एंड व्हाट इट इज ए प्लस 3D. सो डियर व्यूअर्स, इसी तरह से हम कंटिन्यूअस प्रोसीजर में आगे प्रोसीड करते रहते हैं. तो देखिए A1 में एक तरह से ओनली A वॉज देयर, A2 में A प्लस B और यू कैन से A प्लस 1D, इन A3 इट इज A प्लस 2D और यू कैन ऑल्सो थिंक ओवर इट एज A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. तो इसी तरह से चलते चलते अगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ व्हाट विल बी इट्स 100th टर्म, तो हम
every time plus d plus d plus d करते हुए 100 तक नहीं पहुंचेंगे, that will be little lengthier procedure. तो हमें एक formula generate कर लेना है, but that is हमारा यहाँ से brain काम करता है कि okay, when I am finding a2, it is a plus 1d, a3 is a plus 2d, just 1 less than 3 here. A4, A plus 3D, just 1 less than 4 is here. तो आपको समझ आ गया that yes, A 100 will be A plus 100 minus 1 into D, or you can say A plus 99D. Similarly, if the term is unknown, अगर मुझे nth term find out करनी है, general term, तो हम nth term की form में यहाँ पर represent कर रहे हैं. So what will be that? That will be A n, n will be at the prefix here. Equals to a plus n minus 1 into d. So this is one of the two formulas which will be applied in this chapter, that nth term of n ap will be a plus n minus 1 into d. Second formula rahega that we will discuss in our next session, and that will be related to the sum of n terms of an a. Abhi hum आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है इसी से रिलेटेड, जैसा कि अभी तन्वी जी ने भी बोला, कुछ एक प्रॉब्लम्स, कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी. तो इसे चेक करने का एक ही मेथड है, एक ही तरीका है. व्हाट दैट इज, हम चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हर बार सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है. लेट अस चेक दैट. हम देख सकते हैं 2 and 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है. 6 and 10, अगेन द डिफरेंस इज 4. 10 and 14, अगेन द डिफरेंस इज 4. सो वी विल से दैट हियर a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड टर्म इज 6. एंड इफ यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस d, दैट इज 4. सिमिलरली अगर हम सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड एंड थर्ड टर्म के बीच, तब भी 4 आ रहा है. तो हम देख रहे हैं यस, डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, दीज ऑल आर इक्वल, एंड लेट अस से दीज ऑल आर इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस d. सो यस, दिस इज एन एपी. दिस इज द मेथड ऑफ चेकिंग. अभी दो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल, लेट मी राइट अ सीक्वेंस एज रूट 2, root 8, root 18, root 32, then root 50 and so on. This is a sequence. अभी हमने इसे AP नहीं बोला, हमें चेक करना है कि ये एक AP है या नहीं. और एक दूसरी सीक्वेंस हम लिखते हैं, let there be root 2, root 5, root 8, root 11 and so on. So, दो सीक्वेंसेस हमारे सामने हैं, हमें चेक करना है इन दोनों में से क्या कोई सीक्वेंस एपी हो सकती है. सो लेट अस स्टार्ट चेकिंग दिस फॉर द सेकंड एग्जांपल. द फर्स्ट, रूट 2 एंड रूट 5, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, देन आर डिफरेंस इज रूट 5 माइनस रूट 2. ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट करते हैं डी 2 सेकेंड एंड थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस, थर्ड टर्म में से हमने इसकी प्रीसीडिंग टर्म रूट 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जनरली अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि हम रूट 5 में से रूट 2 को डायरेक्टली रूट के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ मिस्टेक करने के चांसेस क्रिएट कर देंगे. हम बाय मिस्टेक इसे लिख देंगे रूट 3, बट इट इज नेवर इक्वल्स टू रूट 3. रूट 5 इज 2.23 समथिंग, रूट 2 की जो वैल्यू है दैट इज 1.41. तो डेसिमल में चेंज करके हम अनडाउटेडली सब्ट्रैक्शन का सोच सकते हैं, बट इन दिस वे वी कैन नॉट राइट इट टू बी रूट 3, क्योंकि रूट ए माइनस रूट बी कभी भी अंडर रूट ए माइनस बी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, होगा ही नहीं. अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जहां इल्यूजन हो रहा है कि पता नहीं ये एक एपी है या नहीं, बट लेट अस स्टार्ट रीराइटिंग द टर्म्स ऑफ इट. रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 root 2, रूट 18 अगर आप फैक्टर्स बनाते हैं 18 के, तो यू आर गेटिंग 3 into 3 into 2, 3 इज इन पेयर, सो इट कैन बी रिटन एज 3 root 2. देन नेक्स्ट इज 4 root 2, नेक्स्ट इज 5 root 2, सो अनडाउटेडली नेक्स्ट टर्म विल बी 6 under root 2, next to that will be 7 root 2. So हम देख सकते हैं first और second term जो है इन दोनों के बीच का difference is under root 2, because 2 root 2
माइनस रूट टू. ऐसे ही अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म का, सो थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू, इट विल बी अंडर रूट टू अगेन. सो डिफरेंस वन, डिफरेंस टू, नेक्स्ट, ऑल द डिफरेंसेस आर इक्वल. देयरफोर यस, दिस इज एन एपी. लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. समहाउ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. विच टर्म ऑफ द एपी, द एपी इज गिवन टू अस. हमें चेक करना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी. सो अभी हमें यही नहीं पता कि ये इसकी टर्म है कि नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा गया विच टर्म, तो पक्का ये इस एपी में कोई ना कोई टर्म है. लेट अस सपोज कि nth टर्म है ये इस एपी की 78. तो nth टर्म निकालने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78. फ्रॉम आर एपी वी कैन सी दैट व्हाट इज a, इट इज 3. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 8 माइनस 3, और यू कैन से 5. सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ d, एंड यू आर हियर विद द लीनियर इक्वेशन. And we can solve this equation to find the value of n. Undoubtedly, we are here with 5n equals to 80, and if 5n equals to 80, then n will be 14 or 16, it will be. Because n is 80 divided by 5, and if you will divide 80 by 5, you people are getting 16. So, it simply meant ki 78 जो है वो इस एपी में 16वें नंबर पर आ रहा होगा. हमें इन दोनों चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए. 78 इज वन ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस एपी, एंड विच टर्म इज दिस, दिस विल कम एट 16th प्लेस. एक चीज हम यहां डिस्कस करेंगे, कोई भी टर्म जो है वो डेसिमल में हो सकती है या नहीं. इफ आई एम राइटिंग 1.2, 2.3, देन 3.4, then 4.5, so undoubtedly this is an AP, because every time हम क्या कर रहे हैं, एक number 1.1 add कर रहे हैं to find the next term. But यहां पर जो common difference है that is 1.1. अगर मैं calculate करना चाहती हूं कि what will be the 10th or 11th term of this particular AP, so that will be a plus 11 minus 1 into d. In place of a, we will put the value. In place of b, we will put the value. And we are here getting that the 11th term will be 12.2. So, कोई भी term जो है वो decimal में हो सकती है, वो root में हो सकती है, that can be in fraction. But n की value जो है वो कभी भी decimal में और n under root 2, under root 3, it cannot be like that. It cannot be in fraction, क्योंकि n is showing the counting of numbers. जैसे मैं बात करूं मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, so I will say either 43 or 39 or 37, 30. I cannot say कि मेरी किसी क्लास में 30.7 स्टूडेंट्स बैठे हैं. तो हमें समझना है कि किसी बच्चे की अगर हम हाइट निकाल रहे हैं तो हाइट कैन बी इन डेसिमल. लेकिन अगर हम पूछते हैं कितने स्टूडेंट्स की हाइट आज हम चेक करने वाले हैं, तो दोज विल बी आइदर वन स्टूडेंट और टू स्टूडेंट और 10 स्टूडेंट्स. तो समझना है कि n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में, नेगेटिव, फ्रैक्शनल या फिर एक कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकती जो इरेशनल. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू बी माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन एपी. So this is given already an AP. अगर ये AP है तो हमें समझना है that the difference between second and first term will be equals to A3 minus A2. So here the second term is K minus 1 minus 4 equals 12 minus K minus 1, because of this negative sign, signs have been changed. And after this, our viewers will be able to solve this question and they will be able to find the value of K. We will solve more questions related to the same topic in our next session.
All right. Thank you so much, ma'am. And when you were solving the questions, I'm sure our students, they were always also solving those questions along with you. Thank you so much. And like you said, that we will continue the same questions in the next part as well. For now, we are wrapping up this program. Thank you, ma'am, for giving us your time on Janmashtami. You took out your precious time and you taught our students. Thank you once again. Thank you, Dani. They are my students as well. Yes. Thank you. सभी बच्चों का भी आपने आज के दिन मैथ्स का एक कार्यक्रम देखा. हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े हुए वो आपको समझ में आ गए होंगे. और पार्ट टू जल्दी ही आएगा जो कि इसी से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए भी आप अपने क्वेश्चंस पहले से ही हमें भेज सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in. इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हिंदी के इस कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे 9th क्लास के सभी बच्चों के लिए. और जो विषय होगा जिस पर चर्चा होगी वो होगा माटी वाली विद्यासागर नौटियाल का. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड अपना ध्यान रखिएगा. हैप्पी जन्माष्टमी एक बार फिर से आप सभी को. नमस्कार.